Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Shivi 888. Guys, reading को start करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो guys please subscribe my channel. Guys, एक general reading है तो हो सकता है सभी के साथ resonate हो सकता है ना हो, तो आप इस reading को positive way में लीजिएगा. जितना आपसे resonate हो से रखिए, बाकी को ignore कीजिए. और guys, एक timeless reading है तो जब भी आप इस reading तक पहुंचेंगे तब आपसे ये resonate करेगी. और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी. गाइस, रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है. ओके, सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं गाइस, उसका जो टॉपिक है वो ये है, यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं. लेट्स सी. फिफ्थ चक्र, कम्युनिटी. डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. प्लीज टाइप कीजिए एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए, आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट. फाइन, ओके. सेवन चक्र, आर्के एंजल यूरियल. एप्रिसिएशन, हैप्पी फैमिली. वाओ, door to romance, beautiful. And hostilities, attachment, rest and rejuvenate. Okay, fine. Okay, क्या प्लानिंग है इन यूनिवर्स की आपको लेकर. बहुत ही ब्यूटीफुल प्लानिंग है डियर, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल प्लानिंग है यूनिवर्स की आपको लेकर. सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये है गाइस, कि इस वक्त में यूनिवर्स जो है कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से साइन भेज रहे हैं, इस तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके आप थ्रोट चक्र पर काम कीजिए अपने. ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि प्लानिंग यूनिवर्स की बहुत स्ट्रांग है आपके लिए. आपका आने वाला समय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छे आप मेंटोर साबित हो सकते हैं, क्योंकि क्राउन चक्र की एनर्जी है ये बात करती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं गाइस जो यूनिवर्स से इतने ज्यादा अलाइनमेंट में होते हैं कि डायरेक्ट यूनिवर्स उनको मैसेज सेंड करते हैं डायरेक्ट. ये दो तरीके से होता है, एक तो आपने पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा इनर वर्क किया होता है, बहुत ज्यादा साधना मेडिटेशन बहुत ज्यादा ध्यान, इसकी वजह से ये होता है. तो आपको इस लाइफ टाइम में इतना नहीं करना पड़ता, फिर भी आप बचपन से ही कनेक्टेड होते हैं. दूसरा होता है गाइस कि आप लोग इस लाइफ टाइम में बहुत सारा काम करते हैं अपने ऊपर, उसके बाद आप अलाइनमेंट में आ पाते हैं. कुछ लोग आप बचपन से ही अलाइनमेंट में होते हैं यूनिवर्स के, उनको बचपन से ही इंट्यूटिव उनके कुछ बहुत ही ज्यादा उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज होती है, जैसे इंट्यूशन स्ट्रांग होना, विजन आ जाना, ड्रीम्स में चीजें दिख जाना. ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एनर्जी ऐसी मिल रही है कि यूनिवर्स इस वक्त में आपको इस तरीके के साइन मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके अपने थॉट चक्र पर काम करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपको बहुत स्ट्रांग डाउनलोड्स कुछ होने वाले हैं, या फिर बहुत अच्छा कोई ज्ञान की प्राप्ति आपको होने वाली है. क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट से ऐसा लगता है गाइस कि आप लोगों का कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है बहुत स्ट्रांग जो आप करके आए हो, मतलब कुछ बड़ा लाइफ पर्पस मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आता है यूनिवर्स की तरफ से. जिनके लाइफ पर्पस बड़े होते हैं या जिनका पर्पस बड़ा होता है उनको स्पेशली यूनिवर्स बहुत ज्यादा लर्निंग देता है. ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा लर्निंग मिली है जिंदगी के अंदर और आपने बहुत ज्यादा सीखा है, तो आप ये समझ लीजिए कि सीखा हुआ वेस्ट नहीं होता है, उसका आगे चलकर कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर होना है. कोई ना कोई लाइफ पर्पस है लेकिन आप शायद ढूंढ नहीं रहे हैं, या फिर वो सही समय नहीं है. सही समय के साथ यूनिवर्स आपको रिवील कर देंगे, लेकिन तब तक के लिए आप अपने थ्रॉट चक्र पर और क्राउन चक्र पर स्पेशली काम कीजिए, ताकि आप क्राउन चक्र पर काम करके आप ईश्वर से अलाइनमेंट में रहें. और थ्रॉट चक्र पर काम करके जो जो भी डाउनलोड्स आपको होंगे
वो आप यू नो कन्वे कर पाए। अभी कन्वे कहाँ करना है, कम्युनिटी में करना है। मतलब ये है कि जैसे यूनिवर्स, जैसे मैं अभी आपको रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो जो भी डाउनलोड्स मुझे होते हैं, जैसे ही कार्ड्स खुलते हैं और जो भी डाउनलोड्स होना स्टार्ट होते हैं मैसेजेस, उनके अकॉर्डिंग हम चैनल करते हैं और हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपसे यूनिवर्स क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। अभी इस वक्त में यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जितना हो सके अपने थर्ड चक्र पर काम करो, क्योंकि उसका आने वाले समय में बहुत इस्तेमाल होने वाला है। हो सकता है आपका कोई पर्पस थर्ड चक्र से जुड़ा हुआ हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा हो सकता है कि आने वाले समय में आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, हो सकता है आप को कुछ ऐसा बोलना हो कम्युनिटी में, तो आपके अंदर जो कला है बोलने की, ठीक है, अगर कोई इंसान बोल तो बहुत कुछ रहा है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, उसका कोई प्रभाव ही नहीं है, तो वो तो बर्बाद है फिर, ठीक है ना। तो मतलब जो बोलो वो ऐसा कि पत्थर की लकीर, मतलब कहने का ये है कि आप इस तरीके से बोलो कि उसका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़े। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर जो आपका थ्रॉट चक्रा है, जब वो बहुत अच्छे से एक्टिव होता है, तो आपकी जो वाणी होती है प्रभावशील होती है। बोलोगे आप तो प्रभाव छोड़ोगी छोड़ेगी लोगों के ऊपर, ठीक है, मतलब आप जब बात करोगे ना तो लोगों के ऊपर उस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा उस चीज का, और वो आपकी बात सुनने के लिए मजबूर होंगे, ठीक है। जैसे मेंटोर्स होते हैं, वो जिस तरीके से गाइड करते हैं तो लोग सुनते हैं, है ना, उसी तरीके से यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। स्पेशल मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप अपने थॉट और क्राउन पर काम करें, क्योंकि आने वाले समय में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है बहुत स्ट्रांग आप लोगों के लिए, जो आपको अपनी कम्युनिटी में करना है, ठीक है, जहां पर भी आप रहते हैं, और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत अप्रिसिएशन गेन करेंगे। ये यूनिवर्स की प्लानिंग है, ठीक है। आपने मेहनत की, आपने लर्निंग की, आपने बहुत कुछ सीखा, आपने बहुत कुछ जाना, तो आप डिजर्व करते हैं कि आपको दुनिया दुनिया आपको पहचाने, दुनिया आपकी तारीफें करे, आपको अप्रिसिएशन मिले, तो वो आपको बहुत जल्दी रिसीव होगा गाइज। जो कि आपकी कम्युनिटी है, जो भी आपकी सोल कम्युनिटी है, जहां पर भी आप रहते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। ये भी एनर्जी है। सो यूनिवर्स की इस तरीके की प्लानिंग नजर आती है, इसीलिए भी आपसे कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अपना क्राउन और थ्रॉट पर काम करें। क्राउन से डाउनलोड्स होंगे और थ्रॉट से आप बोल पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपकी परमानेंट हीलिंग भी चल रही है। आने वाले समय में आपको पूरी तरीके से हील कर दिया जाएगा। एक बार आप हील हो जाएंगे, आपके ट्रिगर पॉइंट्स नहीं बचेंगे, उसके बाद आप अपनी हैप्पी फैमिली के साथ बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। फिर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहेंगे। जब तक आपकी हीलिंग नहीं होती है, तब तक आपको बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है, बिकॉज कार्मिक ट्रिगर्स होते हैं और कर्मा होता है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बीच में आ ही जाती हैं। कभी इन लॉज परेशान कर रहे हैं, कभी हस्बैंड से प्रॉब्लम हो रही है, कभी बच्चों से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एक बार आप हील हो जाते हैं, आपके कर्मा रिलीज हो जाते हैं, तो अल्टीमेट हैप्पीनेस आप फेस करते हो, उसके बाद मतलब अल्टीमेट खुशी का अनुभव करते हो, बिकॉज उस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आपके अंदर ट्रिगर्स नहीं है, तो आप जो परम शांति है ना, परम आनंद जिसे हम कहते हैं, मन से शांति, मन से सुकून, मन से खुशी, ठीक है। खुशी तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन मेरे लिए जो खुशी का मतलब है वो ये है कि जब आपका अंतर्मन खुश हो, जब आपकी आत्मा हंस रही हो, ठीक है, वो है असली खुशी, क्योंकि उस वक्त में आप दिल से हंस रहे होते हो, ठीक है। सिर्फ जोक्स पर हंसना या फिर पार्टीज में 2 दिन के लिए बाहर जाना और हंस के वापस आ जाना, वो खुशी नहीं है। खुशी वो है जब आप अंदर से मुस्कुराते हो, और ये तब होता है जब आप हील हो जाते हो पूरी तरीके से, जब आपके अंदर कोई ट्रिगर्स नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए यूनिवर्स की प्लानिंग है। ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पर डोर टू रोमांस, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो भी है वो आपकी लाइफ में आएंगे, तब आपको आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आपका पर्पस दिया जाएगा कि आपको आगे क्या सर्व करना है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रांग स्ट्रांग एक पार्टनर आपके लिए है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, जो मुझे लगता है इस टाइम पीरियड में मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बिकॉज जैसे ही आपकी हीलिंग खत्म होगी, अगला एक्शन ये है कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, और इनके आने के बाद ही आपको आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, और जो भी अभी तक आपकी सफरिंग रही है, एक्सपीरियंस रहा है, जो भी लर्निंग रही है, उसी के बेसिस पर आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऑल्सो हॉस्टिलिटीज कार्ड दिखा रहा है कि आप अपनी जिंदगी के योद्धा खुद बनेंगे, और ये पर्सन आपको उस चीज में हेल्प करेंगे, ठीक है। मैन होल्डिंग अ हार्ट दिखा रही है कि पर्सन आपको उस चीज में सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप खुद से ही सारी चीजें करने में सक्षम होंगे। ये बेसिकली बात करते हैं हॉस्टिलिटीज की, आपके सामने कोई भी नेगेटिव चीज आ रही है, तो आप खुद ही सक्षम हो उस चीज को किनार करने के लिए। आपको जरूरत नहीं है कि कोई और इंसान आकर आपके लिए वो काम करे, ठीक है। तो ये अल्टीमेट सपोर्ट करने के लिए आपको आएंगे गाइस,
ठीक है, ये एक कोडिपेंडेंसी वाला कनेक्शन नहीं होगा आपका इस पर्सन के साथ। आप इस पर्सन को सपोर्ट करोगे, ये आपको सपोर्ट करेंगे, दोनों सपोर्ट के साथ आगे बढ़ेंगे और दोनों ही अपने अपने कामों को करने में सक्षम होंगे। ठीक है, यहां पर कोडिपेंडेंसी नहीं होगी कि मैं तेरे बिना कुछ नहीं, तू मेरे बिना कुछ नहीं, ये एनर्जी मुझे यहां पर नजर आ रही है। ऑल्सो अटैचमेंट कार्ड के साथ मुझे लगता है कि अभी शायद हो सकता है आप अटैचमेंट में हो, अभी आप बहुत सारे इश्यूज में हो, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस वक्त में आपको हील कर रहे हैं और इस वक्त में वो आपको गाइड करते हैं बार बार कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, अपने आप को रेजुविनेट करें, अपने आप को रिचार्ज करें, ताकि आप ना अल्टीमेट ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर सकें। इस एनर्जी में जहां पर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, आप पुरानी बातों में बंधे हुए हैं, ऐसे में यूनिवर्स आपकी ब्लेसिंग को भेज भी देगा तो वो ब्लेसिंग्स भी आपको ट्रिगर कर जाएंगी, बिकॉज आप उन पर या तो बिलीव नहीं करेंगे या फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे साथ कैसे हो रहा है, मतलब वो नेगेटिव एनर्जीज आप पर असर छोड़ेंगी उस चीज का। इसीलिए भी अल्टीमेट हीलिंग यहाँ पर जरूरी है। तो ये यूनिवर्स की प्लानिंग मुझे आप लोगों के लिए नजर आती है। फाइव कार्ड्स, परफेक्शन का अनफोल्ड हो गया कार्ड। यूनिवर्स आपको परफेक्शन में देखना चाहता है। जितने भी लोग गाइस परफेक्शन में आना चाहते हैं, मेरा जो नया चैनल है वहां पर मैंने इनोवा की सीरीज स्टार्ट की है, बहुत ही बेसिक से चीजें मैंने बताई हैं, जाकर अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली आपको वो चीज फायदा करेगी। बिटर स्वीट, रिजेक्शन, मिरेकल, वाओ, डेस्टिनी, सर्विस, रिन्यूअल एंड ग्रीफ। देखिए गाइस, जितना भी आपने दुख दर्द झेला है यहाँ पे, ठीक है, जितना भी आपने दुख दर्द झेला है वो दुख दर्द एक मिरेकल से खत्म हो जाएगा। एक मिरेकल आएगा आपकी लाइफ में, वही सारा दुख दर्द खत्म कर देगा, क्योंकि अभी आपकी हीलिंग भी चल रही है। ऑल्सो ये रिजेक्शन के बाद आप शाइन करने वाले हो, क्योंकि रिजेक्शन तो आपको मिले लेकिन आपने अपने आप को परफेक्ट बना लिया, परफेक्शन का कार्ड है, तो आने वाले समय में आप परफेक्शन में ही जियोगे, अपने आप का बेस्ट वर्जन। ऑल्सो डेस्टिनी में है एक डेस्टाइन पार्टनर आपके, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको आपका सोल पर्पस करने में, सर्विस करने में मदद करेंगे। ये वही पार्टनर है जो अभी शायद आपसे दूर हैं और आप इनको रो रो के मना रहे हो बट मान नहीं रहे हैं। ये इसलिए भी नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि आपका और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से आप अपने परफेक्शन में आए। ठीक है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं मेरे से, मेरा पार्टनर नहीं लौट रहा। आप उस पर्सन के लिए रोने की बजाय अगर आप अपना काम करेंगे तो आप जल्दी सारी चीजों को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आप रोएंगे तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स को अगर आपको ऐसी सब कुछ दे देना होता है तो वो फिर आपको अलग ही क्यों करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें नजर आ रही है, बहुत ही सिंपल वे में कार्ड्स देते हैं यूनिवर्स, आप देख सकते हैं आप ही के सामने हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ है गाइस, आपकी लाइफ में हैप्पी फैमिली है, आपके डेस्टाइन पार्टनर आएंगे बहुत जल्दी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जिनका आपको वेट है, बेसब्री से इंतजार है, आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। यूनिवर्स ने ना आपके लिए प्लानिंग बहुत अच्छी करके रखी है, जस्ट आपको एक्शन लेने की जरूरत है उस प्लानिंग तक पहुंचने के लिए। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। यहां पर देखिए थ्री ऑफ सॉर्ड्स, इस वक्त में हो सकता है आपका दिल टूटा हुआ हो, आप किसी को लगातार ऑफर दे रहे हैं, किसी को लगातार चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो इंसान मान नहीं रहा है और आप उसी की तरफ जाना चाहते हैं, जबकि यूनिवर्स आपको अवेकन कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो अल्टीमेट आपकी खुशियां जो है नाइन ऑफ कप्स वो आपको मिलेंगी, आपकी मैरिड लाइफ बनेगी। लेकिन इस टाइम पीरियड में मुझे लगता है कि आपकी सिचुएशन सही नहीं है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है डिसाइड करने के लिए, आपको कहा जा रहा है एक दूसरी दिशा में आगे बढ़ने के लिए, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, जो काम आपसे कहा जा रहा है आप वो कीजिए, बाकी सब यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, लेकिन आप शायद ऐसा कर नहीं रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स को सरेंडर करने का मतलब होता है कि अब आप उस टेंशन से फ्री हैं, लेकिन जब तक आप वो दिमाग में टेंशन लेकर चल रहे हैं इट मीन्स कि आपने सरेंडर नहीं किया है। ओके, तो अगर आप सरेंडर कर देते हैं और इस पर्सन को बार बार मनाना बंद करते हैं और खुद पर काम करते हैं तो आप बहुत जल्दी रिजल्ट्स को देखेंगे, मिरेकल को देखेंगे।
बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मेरी लाइफ में मिरेकल नहीं हो रहा, क्योंकि आप मिरेकल को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। इस एनर्जी में कोई भी मिरेकल अट्रैक्ट नहीं होता है, इस एनर्जी में कोई भी मिरेकल अट्रैक्ट नहीं होता है। मिरेकल अट्रैक्ट होता है जब आप अल्टीमेट हैप्पीनेस में होते हैं, लव की एनर्जी में होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो इनर वर्क की सीरीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बहुत जगह हीलिंग लेते हो, बहुत जगह चीजों को जाते हो, देखते हो। जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हैं और वो बहुत ही ज्यादा हीलिंग में आपकी हेल्प कर सकती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पर तो आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन आपको सिस्टमेटिक वे में चीजें कैसे करनी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। मेरी रीडिंग्स में मैंने कभी भी किसी को कोई झूठी तसल्ली नहीं दी है कि मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि यूनिवर्स अगर आपके साथ कुछ भी कर रहा है, हर एक कहते नहीं कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर कोई एक्शन आपकी लाइफ में हो रहा है, कुछ भी चीज हो रही है, तो यहाँ पर सुनने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि हमको कुछ बदलाव की जरूरत है, हमें कुछ बदलना है, कुछ चाह रही है प्रकृति हमसे। तो उस प्रकृति की जो डिमांड है उससे हमें काम करने की जरूरत है। हम अपना काम कर देंगे, बाकी काम प्रकृति खुद कर देगी। तो आप अपना काम कीजिए, बाकी काम यूनिवर्स ही करेंगे आपके लिए, ठीक है ना। लेट्स सी कि एंजल्स क्या बताएंगे आपको। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, असेंशन। असेंशन के प्रोसेस में हो गाइज आप लोग। टॉरस कॉस्मिक गेटवे आपसे क्या है, पॉल द वेनेटियन। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। लव आपको मिल जाएगा। आप तो अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को शेयर करना स्टार्ट कीजिए, इंस्पायर करिए लोगों को। सेरेपिस बे, असेंशन, मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। ये आपसे कह रहे हैं कि डार्कनेस से ऊपर उठकर सोचिए, असेंशन के प्रोसेस में अपने ट्रू सेल्फ में आइए। हॉरस कॉस्मिक गेट पे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकल्स चेंजेस आर अकरिंग। सो आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, मिरेकल चेंजेस आने वाले हैं। तो अपने थॉट्स में वही रखिए जो चाहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक हैं आपके थॉट्स, जो भी आप सोचोगे वो क्रिएट होगा। तो वही सोचिए जो क्रिएट करना चाहते हैं। ओके डियर, सो ये आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।